यहाँ पे दो फ्लोर का मतलब ये आखिरी नीचे का जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, ऐसा मिला के। तो चलो चलते हैं हमारे बाजू के रूम में। देखिए हमारे भाई लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे सब दिन बैठे। ये हमारे सबसे सीनियर भाई नीलेश भाई, हमारी आन बान शान, और यहाँ पे हमारे शशांक भाई, हमारे सेकंड सीनियर मतलब हम में हमारे बैच में, और यहाँ पे जयंत भाई, और यहाँ पे हमारे परसुविंग सियार। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस आपको जैसे आपको पता है कि पिछले व्लॉग में मैं और मेरा परिवार जीएमसी गोंदिया के लिए निकल गए थे। तो अभी उसको 4-5 दिन हो गए, तो अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ मैं, और आपको वहाँ का कुछ सीन तो नहीं दिखाया था मतलब, तो रह गया था। तो आज आपको हॉस्टल टूर दिखाऊंगा, तो चलो देखते हैं मेरा हॉस्टल मतलब जीएमसी गोंदिया का हॉस्टल कैसा है। हॉस्टल के डोर पे पहुंचा हूँ मतलब गेट पे स्टार्टिंग के, तो आपको वह दिखाता हूँ। तो लेकिन अभी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चालू है, तो गाइज अभी आपने देखा है कॉलेज का हॉस्टल का गेट है स्टार्टिंग का, लेकिन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है, तो अभी उसकी वजह से ये गेट तो क्लोज है। तो अभी हमको यहाँ से नहीं तो उसके बाजू में जो गेट है वहाँ से जाना पड़ता है, तो आपको दिखाता हूँ कैसे जाते हैं। तो चलो गाइज अभी हम हमारे हॉस्टल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और आपको ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये आईटीआई है पूरा। ये देखिए आईटीआई की पार्किंग, और ये उनकी लैब वगैरह है, वो हम नहीं देखते ज़्यादा, तो आज संडे है उसके कारण छुट्टी भी है हमको। तो अभी तो हम जाते हैं हॉस्टल की तरफ। वैसे तो अच्छा है, आप अगर समर में रहेंगे यहाँ पे तो मतलब ठंडा रहेगा, थोड़ा कूल है, और अगर विंटर में तो यहाँ बहुत ठंडी है। अभी विंटर चल रहा है तो रात में तो बहुत ठंड लगती है, और वो कर्मशाला मतलब वर्कशॉप आईटीआई वालों का है, यहाँ से आप पीछे जाएंगे ना तो हॉस्टल आ जाएगा। गाइज अभी आपको यहाँ से दिखाई देगा थोड़ी देर में हॉस्टल का बिल्डिंग कैसा है, तो वो देखो। देखिए गाइज यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए हुए, उससे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। वैसे सुबह सुबह यहाँ पे फिर ऐसे वॉकिंग के लिए तो अच्छा ही है। वैसे तो कॉलेज थोड़ी देर है आने के लिए, तो चलो चलते हैं अभी। ये है हॉस्टल की, तो ये हॉस्टल की बिल्डिंग है, देखो
बाहर से ऐसी दिखती है। वहाँ देख रहे होगे तो आपको थोड़ा दिखाई होगा, वहाँ पे खेल रहे हैं सब जन, हमारा प्लेग्राउंड है। तो गाइस देखिए, ये सब क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे फ्रेंड है। तो गाइज अभी आपने देखा होगा ग्राउंड कैसा है, सब क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसे तो मैं भी कभी कभी खेल लेता हूँ, लेकिन अभी आज बना रहा हूँ व्लॉग तो नहीं खेल रहा। तो अभी हम हॉस्टल में एंटर होने वाले हैं, तो दिखाता हूँ। ये देखिए हॉस्टल, तो चलो जाते हैं हॉस्टल में। थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे हम रात में भी खेलते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऊपर जा रहे हैं। देखो सो ये वो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर है और एक फ्लोर है। ऊपर में तो आईटीआई वाले रहते हैं, और बाकी हॉस्टल देखे तो बहुत अच्छा है। वो देखिए हमारे अर्जुन भाई आ रहे हैं, और ये रूम नंबर 1। तो ये मेरा रूम नंबर 2/4 है। तो चलते हैं हमारे रूम में। देखिए यहाँ है बाथरूम वगैरह भी है। फोर्थ में हम आ गए, वहाँ पे हमारे दोस्त सुमित भाई है, और वहाँ पे जयंत भाई भी है, वो पानी ले रहे हैं पीने के लिए। ओवरऑल व्यू अच्छा है हॉस्टल का वैसे तो। ये यहाँ पे हमारे सुमित भाई आ रहे हैं, और उसके साथ अभी हम व्लॉग खोलेंगे और अंदर जाएंगे, और आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है वगैरह। तो गाइज अभी दोपहर में हम थोड़ी देर क्रिकेट खेले, तो अभी थोड़ी देर बात करने के बाद अभी देखो रात के 11:15 हो रहे, मतलब 11:15 हो रहे अभी। तो सोचा कि अभी शांत आता हूँ, नहीं तो दिखाता हूँ आपको रूम। तो चलो, तो गाइज देखिए अभी रात के समय वहाँ पे अच्छी व्यवस्था, मतलब बढ़िया व्यवस्था की गई है, सब कुछ है, लाइट है, फैन वगैरह वही देख, और गादी, मतलब काली चाक कॉट वो सब वो भी दे, वो ही देते हैं हॉस्टल वाले। और ये ऐसे हमारे रूम, यहाँ पे मेरा बेड है, यहाँ पे कुछ सामान, दोस्त, और देखिए हमारे जयंत भाई आ गए हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं हॉस्टल में। और ये देखिए हमारे शशांक भाई का रूम है, जो कि अभी बाजू वाले रूम में बातचीत कर रहे हैं थोड़ी। और यहाँ पे हमारे मयंक भाई रहते हैं, जो कि राजस्थान से आए हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से, राजस्थान से बहुत सारे जन आते हैं, मतलब और क्योंकि राजस्थान यहाँ से ज़रा नज़दीक पड़ता है। तो चलो अभी हम जाते हैं। तो गाइज अभी चलते हैं हमारे बाजू के रूम में, जहाँ पे हमारे दोस्त सब बैठे हुए हैं, रात के समय थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह करते हैं। और ये देखिए हमारे लिए कुछ खेलने के लिए रात के समय बैडमिंटन वगैरह, रात के टाइम आप व्यू देखिए हॉस्टल का। मतलब ये आखिरी नीचे का जो है ना, वो ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, ऐसा मिला के। तो चलो
चलते हैं। तो गाइज अब ये हॉस्टल का व्यू देखने के बाद अभी देखते हैं हमारे भाई लोग हमारे क्या कर रहे हैं, तो चलो अभी जाते हैं उनके पास भी। तो देखिए गाइज रूम नंबर 5 है और ये मेरा रूम नंबर 4 था, तो अभी 5 में जाके देखते हैं। दरवाज़ा तो बंद है, उसको खोल के हम देखेंगे। तो देखिए सब जन पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे हम सारे दोस्त बैठे हुए, आपको सबका इंट्रोडक्शन दूंगा एक एक करके। यहाँ पे हमारे परसिविंग सीआर श्री सुमित जांबुलकर सर है, वो देखिए पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जयंत गाड़गे भाऊ, नीलेश भाऊ और ये हमारे शशांक भाऊ, यहाँ विभांशु भाऊ बैठे हैं। और सबसे भारी हमारे मयंक मीना जी, क्योंकि डिफरेंट क्योंकि है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से आए, वो भी राजस्थान से। अभी राजस्थान से मतलब बहुत दूर से आए। तो मयंक भाई के बारे में बता रहा था, वो राजस्थान के झालावाड़ यहाँ से आए हैं। देखिए कितने दूर से आए, और ऐसे लगभग 6-5 भाई लोग हमारे राजस्थान से आते हर साल जीएमसी गोंदिया के लिए। अभी तो भाई लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को लेकर जाता हूँ ऊपर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग देम। तो चलो अभी हम ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर में कैसा है सब देखते हैं। तो अभी हम जाएंगे ऊपर के फ्लोर में, मतलब फर्स्ट फ्लोर में। तो हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सुमित भाई, तो हेलो, चलो अपन ऊपर का टूर करते। तो उससे पहले ऊपर जाने का रास्ता तो यहाँ से है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डोर ओपन है, यहाँ पे भी हमारे भाई है, और यहाँ पे भी भाई हमारे पढ़ाई कर रहे हैं ये हमारे। तो देखिए हमारे दो भाई यहाँ पे भी है, ये हमारे वैष्णव भाई है, वो भी सीआर के लिए एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, उनको भी सीआर बनने का है। कुछ भी नहीं, देखो व्लॉग बना रहा हूँ। आओ रूम दिखाता हूँ मेरे, ये मेरे रूम पार्टनर की बेड है, पता नहीं कहाँ गया ये, मत देखो ये बेड़ी। क्या कर रहे हो तुम, क्या 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 चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, रील देखा भाई, लड़कों को देखा था क्या ये कौन सी टेस्ट दे दी। अरे भाई वो करना पड़ता है। ठीक है चलो अभी भाई के साथ मस्ती हो गई थोड़ी, तो अभी हम ऊपर के फ्लोर में जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, वहां पे वाटर कूलर है और यहाँ पे भी काफी रूम है और यहाँ पे भी रूम है, तो यहाँ से टूर करते हैं। देखिए सुमित भाई हमारे सीआर आपको बता रहे हैं। और ये है हमारे समीर भाई, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे भाई के, भाई हेलो कर दीजिए। हेलो हाय, चलिए चलते भाई को डिस्टर्ब करके, हो गया अपना, चलो भाई गुड नाइट। चल रहा है तो चलिए अब आगे चलते हैं। अरे अरे ये जैसा ये अनलॉक होने का है,
लगता है सो गए। ये हमारा दूसरा वाटर कूलर है, लग्जरी है। और आपको बता दें यहाँ भी आरओ प्लग का पानी मिलता है, सब अच्छा है। गवर्नमेंट हॉस्टल मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सब बेकार होगा, सब अच्छा है। वैसे रात का समय हो चुका है तो सब सो गए। गाइज ये था हमारा हॉस्टल का टूर। ऊपर भी है, ऊपर आईटीआई वाले रहते हैं तो यहाँ पे दो फ्लोर हमारे। तो गाइज इतना घूम के आपको हॉस्टल की टूर दिखाई, ये थी हमारी हॉस्टल की टूर। तो इसी तरह के व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।